मेरा शौक था वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का, तो जब मैं इसको सर्च करी थी पाकिस्तान में, तो सबसे पहले मीडिया माइंड्स का नाम आया और मैम शबाना का नाम आया, और मैंने फॉरन लिंक्डइन पे भी जाके अप्रोच किया, फिर फेसबुक पे जाके अप्रोच किया, फिर मैंने नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट किया, तो मैं तो शौक हो गई थी ये देख के कि पाकिस्तान में ऐसा होता भी है। मैंने जैसे ही देखा उनके फेसबुक पेज पे जाके, तो मुझे पता चला उनके पास एक कोर्स हो रहा है वॉइस ओवर ट्रेनिंग का, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और फिर माशाल्लाह से मैं अक्टूबर वाले बैच में इनके साथ इनरोल थी। और अभी जो हमने कुछ सीखा, जो हमारा माइंड में होता है कि वॉइस ओवर जो है बस जाएंगे बोलेंगे और सब हो जाएगा, आपकी आवाज़ अच्छी है आपको सब कहते हैं तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो बताई जाती हैं जो आपको खुद नहीं पता होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी मीडिया माइंड के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रही, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मीडिया माइंड के प्लेटफॉर्म से ही अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट की, और स्पेशली सीईओ जो है मीडिया माइंड की शबाना सैयद, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के साथ, वो उसी तरह से उनको उतना ही टाइम दिया और हर चीज़ के बारे में बहुत बहुत ही ज़्यादा एक एक चीज़ को क्लियरली हमें समझाया गया कि इसको किस तरह से अदा करना है और किस तरह से इसकी डिलीवरी देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम स्टार यहाँ मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि ज़रूर पिक करेगी मार्केट इन्हें। टुडे इज़ अवर लास्ट सेशन और हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैम शबाना शी इज़ अ ग्रेट ग्रेट टीचर। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको आपकी वॉइस अच्छी है और आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, तो मीडिया माइंड जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके सीखने के लिए। हमारी जो वीकनेसेस थी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ को मैम शबाना ने बहुत बेहतर बनाया और बहुत अच्छे तरीके से हमें लेकर चले हैं तमाम सेशन के। Taking admission in Media Minds was one of the most important decisions of my life. The techniques that I learned here has given me the confidence to compete not just in the local market but also in the international marketplace, inshallah. Mera naam hai Sania Qureshi aur Media Minds mein aane se pehle wo baat nahi thi jo ab hai. Jaise ki confidence level bhi bada hai aur kafi acha environment hai aur bahut kuch seekh ke ja rahi hoon yahan se. जैसे पहले रिकॉर्डिंग करती थी वो बात नहीं थी, अब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो अब लगता है कि काफ़ी बेहतर, मैंने कुछ सीखा है। मीडिया माइंड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा मेरे लिए। जब हम लोग यहाँ नहीं आए थे और ये कमर्शियल एड्स और ये सब चीज़ें सुनते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि ऑब्वियसली ये बस जाके ऐसे भी बोल देने वाली चीज़ है, बट इसमें बहुत, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वाकई बहुत हार्ड चीज़ है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इदारा बहुत अच्छा है, बहुत सोच से बढ़कर रहा, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बहुत फ्रेंडली माहौल है, मैम बहुत अच्छी हैं, सब पे इंडिविजुअल तवज्जा भी दी, लव्स सही करवाए, पता नहीं था, लगता था कि बस हम तो सही बोल रहे हैं, इसमें क्या मेहनत होगी, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि नहीं, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। और अब मैम ने इस काबिल बना दिया है कि हम आगे जाएँ और नए रास्ते एक्सप्लोर करें। वॉइस ओवर के बारे में मैं ये सोचती थी कि दो चार चंद एक लोग हैं जो उसको करते हैं और वही ड्रामा करते हैं और वही फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी करवा देते हैं IVR के लिए, कमर्शियल्स के लिए, क्योंकि मुस्तकिल मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती थी TV कमर्शियल में और इधर उधर। लेकिन जब इसमें इन हुई तो मुझे पता चला कि वो कुछ लोग नहीं हैं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मतलब पिक किया जाता है उन्हीं आवाज़ों को जो उस कमर्शियल पे सूट करती हैं, तो उन लोगों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। लेकिन मैं मीडिया के लोगों से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी, नए आने वालों को चांस दें और उनको, उनके लिए भी इस फील्ड के दरवाजे खोलें। तो फर्स्ट डे हम आए थे, अगर मैं अपनी फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग सुनूं तो मतलब मुझे सही से पढ़ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, लेकिन अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनूँ और पहले की सुनूँ तो मुझे बहुत बिग डिफरेंस वहाँ पर फील हो रहा है। मुझे सही से पढ़ना नहीं आ रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सही से पढ़ सकती हूँ, लेकिन अब मैं जब पढ़ती हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मतलब मैं कुछ सही से पढ़ सकती हूँ स्क्रिप्ट को, अगर मुझे बोलता है तो मुझे सही से रीड आउट कर सकती हूँ, किस तरह से वॉइस ओवर करना है, ये चीज़ मैंने मीडिया माइंड से सीखी। थैंक्स टू मैडम शबाना के, उन्होंने हमें बहुत इस चीज़ में इंकरेज किया, सपोर्ट किया, क्योंकि और हर एक इंडिविजुअल को उन्होंने एक अच्छी गाइडलाइन दी। प्रोडक्शन हाउसेज के लिए है कि वो अब जो पहले जो करते आ रहे हैं बस वही कर रहे हैं, सेम आवाज़ें हमें बार बार सुनने को मिलती हैं, तो जो लोग अब आ रहे हैं सीख रहे हैं उन्हें जरूर मौका दिया जाए ताकि वो भी स्ट्रीम में। It was a great honor to have gotten personalized training from Ms. Shabana Sayed. I am very grateful to her for her untiring efforts
and her patience with us. But no academy in the world can make you a champion. Much depends on the student, his or her passion, and the investment of the time that they make in honing up the skills. The first time I थी तो इतना अच्छा नहीं किया था मैंने, वो मुझे खुद ही पता है. जैसे ही वक्त गुजरा तो बहुत ही अच्छा इनके करने लगे. जैसे वो बात नहीं है, अब वॉइस में थोड़ी चेंजिंग आ गई है. पहले दिन ये इशू था कि वॉइस मेरी इतनी लाउड नहीं थी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही है. क्योंकि वो पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मुझमें कि मैं कुछ करूँ या बात कैसे करूँगी. अब वो कॉन्फिडेंट जैसे जैसे टाइम गुजरा है तो वो बिल्ड हुआ है. जब मैं शुरू में किसी को कुछ भी रिकॉर्ड करके दिया करती थी तो मुझे पता होता था कि हाँ बस मेरी आवाज़ अच्छी है, तलफ़ुज़ अच्छा है, तो मैं रिकॉर्ड करके दे रही हूँ. लेकिन अभी इत्तेफाक से मैं कल ही जब वो रिकॉर्डिंग वापस से सुन रही थी तो आई फेल्ट कि भाई इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है. आफ्टर ट्रेनिंग जो मैंने टेक्निक सीखी, मुझे पता चला कि हाँ बोलते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो ये मुझे सबसे अच्छी बात मीडिया माइंड्स की लगी. और फिर इनके एक कोर्स नहीं है, माशाल्लाह से बहुत सारे वास्ट कोर्सेज हैं. आप किसी भी फील्ड में, किसी भी मीडिया से रिलेटेड, किसी भी इस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप मीडिया माइंड्स को अप्रोच कर सकते हैं. बेसिक सेशंस में क्योंकि बिल्कुल हमें तो पता ही नहीं था कि IVR ये सारी चीजें, मीडिया क्या चीज है. और सब जितने भी लोग थे सब अपना यूनिवर्सिटीज और घरों से आए हुए थे तो बिल्कुल नहीं पता था. और यहाँ आके हमें पता चला कि मीडिया माइंड जो है वो क्या है और मीडिया जो है वो एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है. और सबसे अच्छी बात कि आपके जो कोऑर्डिनेटर और जो टीचर हैं वो इतनी अच्छी, नाइस, पोलाइट और इतनी हम्बल हैं कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आप मीडिया इंडस्ट्री में आके बैठे हो. Thank you.